जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। आज मैं बात करने वाला हूं क्या MSP सबको मिलेगा, क्या होगा दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला। और वो फैसला 1980 से लेकर प्री 2006 या सिर्फ पोस्ट 2006 यानी प्री 2016 पेंशनर्स को ही मिलने वाला है जो 7CPC में है, या फिर वो पेंशन भोगी जो ORP 2 ले रहे हैं उनको मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि MSP 2006 में जब 6 पे कमीशन आया था तब से लागू किया गया है, उससे पहले MSP कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन अब मुद्दा ये है कि उससे पहले के जो पेंशनर्स हैं उनको MSP मिलेगा कि नहीं। तो आज इस वीडियो में हम ये आपके इस तरह के जितने भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर लेने वाले हैं। तो बने रहना अंत तक। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और आपका प्यार देते रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। MSP एक बहुत ही पेचीदा मुद्दा है, जैसे कि ORP, क्योंकि अब सितंबर में MSP का फाइनल मैच होने वाला है और उसके बाद MSP का केस भी आपका ख़त्म हो जाएगा। फाइनली दिल्ली हाई कोर्ट सितंबर के महीने में MSP यानी इक्वल MSP का जो बहुत पुराने समय से मुद्दा चला आ रहा है उसको ख़त्म करने जा रहा है। तो जय हिंद दोस्तों, MSP पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि MSP 2006 से लागू हुआ है यानी 6 पे कमीशन से इसे लागू किया गया है, तो क्या प्री 2006 रिटायरीज को MSP मिलेगा या मिलता है या नहीं मिलता। अब बात करते हैं पोस्ट 2006 जो कि प्री 2016 पेंशनर्स, तो क्या उन्हें MSP सिर्फ 2000 रुपये की दर से मिलेगा, जबकि आफ्टर 2016 सेवन्थ पे कमीशन में इस दर को 5200 रुपये किया गया था। तो क्या प्री 2016 को MSP 2000 की दर से या 5200 की दर से मिल रहा है। ऐसे बहुत से सवाल हैं आपके मन में जिनका जवाब आप अक्सर यूट्यूबर से जानने की कोशिश करते हैं, तो इसी तरह के सवालों के जवाब हम इस वीडियो में भी आज जानने वाले हैं और उनका हल भी पाने वाले हैं। मिलिट्री सर्विस पे का लाभ आपकी पेंशन स्लिप के अलावा पे स्लिप में भी बेसिक पे से अलग दिया जाता है और MSP सिर्फ ऑन सर्विस मिलता है। आफ्टर रिटायरमेंट भी MSP मिलता है लेकिन वह सिर्फ बेसिक पेंशन में इंक्लूड रहता है और अलग से आपको कहीं भी वो शो ऑफ नहीं किया जाता, दिखाया नहीं जाता, यानी पेंशन स्लिप में उसको अलग से कहीं भी दर्शाया नहीं जाता है। आज की डेट में MSP की दरों की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको MSP की दर दिखाता हूँ। तो इक्वलाइजेशन ऑफ मिलिट्री सर्विस पे वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी इक्वल MSP केस नंबर 12848/2018 अंडर कंसिडरेशन है ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। अब MSP की दरें क्या हैं ये उस केस की डिटेल है, आप सबको पता है क्योंकि आप पुराने व्यूवर्स हैं। JCORs 2000 रुपया, ऑफिसर साहब 6000 रुपया, MNS 42 रुपये। ये कब था, जब 2006 में MSP लागू हुआ। इसके बाद एक पे कमीशन आया, सेवन्थ पे कमीशन, तो ये रिवाइज हुई, तो जब ये रिवाइज हुई MSP है वो हो गई 5200 रुपया एंड ऑफिसर साहब की हो गई 15500 और MNS की हो गई 10800। तो इस तरह से जो रेट ऑफ MSP हैं वो क्या हुई हैं, एनहेंस हुई है। प्री 2006 रिटायरीज को भी MSP का लाभ मिल रहा है या नहीं, तो इसका जवाब है यस। इसको आप ऐसे समझिए कि फर्स्ट ORP रिविजन जुलाई 2014 में हुआ था। ORP जो ओरिजिनल थी वो 2014 में मिली आपको। 2014 में जब ORP मिली तो उसका जो कैलकुलेशन था वो जनवरी 2013 से दिसंबर 2013 कैलेंडर ईयर में जितने भी रिटायरीज गए थे उनकी एवरेज पेंशन के आधार पर सेट किया गया था, जिसमें समान रैंक समान सर्विस लेंथ को रखा गया था, जिसमें जवान की 17130 थी, नायक की 18428 थी, दफदार हौलदार की 20000 से कुछ ऊपर थी, ऐसे आगे भी सभी रैंकों की फिक्स की गई थी। उसके बाद ORP टीम में जब रिवाइज हुई तो सिपाही को 18807, नायक को 21244 और हौलदार को 22257, नायब सुबेदार को 24825, सुबेदार साहब को 29700 और सुबेदार मेजर को 33400 रुपया सेट की गई उनकी ORP 2 की पेंशन। प्री 2016 पेंशनर जो 1980 के हैं चाहे उसके बाद के हैं, प्री 2016 पेंशनर्स जो 1980 में ही क्यों ना रिटायर हों, सभी को MSP कॉन्सेप्ट आया,
तो आप सभी पेंशनर्स को, चाहे 1980 से हों या उसके बाद के हों, सबको 2014 में जब ओआरओपी दिया गया था तो एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ खड़ा किया गया था, यानी एमएसपी आपको वहां दिया गया था, यानी 2000 एमएसपी जो है वो आपको मिल रहा था, उसका लाभ आपको भी दिया गया था। ये लाभ आपको इनडायरेक्टली दिया गया है क्योंकि ये आपकी पेंशन में शो नहीं होता, अदरवाइज तो आप सर्विस कर रहे होते तो जरूर आपके पे स्लिप में ये 100% आपको जो है वहाँ शो होता, और 2000 रुपये का जो एमएसपी लाभ है वो आपको दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो सिर्फ 2000 का ही लाभ मिला, जबकि सेवन पे कमीशन पोस्ट 2016 की बात करें, सेवन पे कमीशन में जो हैं उनको तो 5200 रुपये का लाभ ले रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, हाल ही में जून 2019 को ओआरओपी 2 लागू किया गया है, जहां पर आपकी पेंशन क्या क्या सेट की गई थी वो थोड़ी देर पहले मैंने इस वीडियो में आपको बताई है। 30 जून 2019 तक सभी रैंक रिटायरीज को 5200 रुपये एमएसपी का लाभ दिया गया है। अब वो चाहे 1980 के रिटायरी हों या 1990 के रिटायरी हों, 2000 के रिटायरी हों, 2006 के रिटायरी हों, उसके बाद के हों, पहले के हों, कोई मैटर नहीं है। यानी कि ये कन्फर्म है कि आप सबको एमएसपी मिल रहा है। जिनको एमएसपी ऑलरेडी मिल रहा था उनकी पेंशन ओआरओपी 2 में रिवाइज ही नहीं की गई है, क्योंकि ऑलरेडी एवरेज पेंशन से अधिक ले रहे थे, लेकिन आप लोग पेंशन कम ले रहे थे। क्यों कम ले रहे थे? क्योंकि आपको एमएसपी नहीं मिल रहा था सेवन पे कमीशन का। अभी आपकी एमएसपी इंक्लूड करने के बाद आपकी पेंशन जो है एनहेंस होगी, आपको अच्छा खासा एरियर भी मिला है, तो यहाँ से ये कन्फर्म हो गया है कि आपको एमएसपी तो दिया गया है। अब बात करते हैं कि एमएसपी 15500 की जो लड़ाई हमारी चल रही है, जो सितंबर फाइनल होने वाली है, उससे भी आपको कितना लाभ होगा वो भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये आप चार्ट देख सकते हैं और खुद ब खुद समझ सकते हैं, मैंने बहुत डिटेल में और बहुत ईजी तरीके से इसको बनाया है, आपको कितना एरियर वहाँ मिलेगा और कितना आपको फायदा हो सकता है वो सब यहाँ पे दिया गया है। जब ऑफिसर की लागू होगी तब और एमएनएस की लागू होती है तब, ठीक है। और ये पॉज करके आप ज़रूर देखें वीडियो को, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, थैंक यू, जय हिंद फॉर द नेक्स्ट।